नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र सिंह राजपूत है। आप देख रहे हैं YouTube चैनल रुईका सर्विसेज। आज हम एक सैमसंग टॉप लोड वॉशिंग मशीन के बारे में बात करेंगे। हम इसके रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे और इसको न्यूट्रल और फेज देकर इसकी ऑपरेटिंग चेक करेंगे। तो आइए हम चेक करते हैं रेजिस्टेंस वैल्यू। तो सबसे पहले आपको दिक्कत नहीं आए उसके लिए मैंने तीन तार इसमें जोड़ लिए हैं। आप तार का ध्यान ना दें क्योंकि ये सैमसंग की वॉशिंग मशीन है। ज़रूरी नहीं हो कि इसी में इस तरह की वायर आपको मिले, ठीक है। तो मैंने आपको इसलिए इसके अंदर ऐड कर लिए तार ताकि यहाँ पर कनेक्टिविटी चेक कराने मुझे आसानी रहे। तो सबसे पहले मैं एक तार ले रहा हूँ, पीला तार, और आपको एक मल्टीमीटर लेना है जिसको आपको ओम्स कंटिन्यूटी पर सेट करना है। तो पहले हमने पीले तार में लगाया और एक हमने ब्लू तार में लगाया। इन दोनों की वैल्यू हम चेक करेंगे, 30.4 ओम्स। तो पीला और नीले में 30.4 ओम्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे राउंड फिगर लिखूंगा 30 ओम्स। अभी मैं चेक करूंगा पीला और लाल में, तो पीला और लाल में भी 30.4 ओम्स आ रहे हैं, तो यहां पर भी 30 ओम्स आ रहे हैं। अभी मैं चेक करूंगा नीला और लाल, इसमें आ रहे 60 ओम्स। तो नॉर्मली क्या होता है, मोटर के अंदर तीन वाइंडिंग होती है, कॉमन, रनिंग एंड स्टार्टिंग। तो यहां पर हम कैसे जज करेंगे कि कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है। तो सबसे पहला पॉइंट है, हम सबसे पहले ऐसे दो तार सर्च करेंगे जिनकी सबसे ज्यादा वैल्यू हो, ठीक है। तो हम चेक करेंगे यहां पर नीला और लाल में 60 आ रहा है, नीला और पीला में 30 ओम्स आ रहे हैं और पीला और लाल में 30 ओम्स आ रहे हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, नीला और लाल की। तो बीच वाला आपका कॉमन होगा। तो जिन दो तारों में आप सबसे ज्यादा वैल्यू रीड करेंगे उसके अलावा जो तार बच रहा है वह तार कॉमन कहलाएगा। तो यहां पर जो पीला तार है वो कॉमन है, मतलब बीच वाला जो है इसका कॉमन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कॉमन के साथ में एक इस पे लगाएंगे तो 30 ओम्स आ रहा है, कॉमन के साथ इस पे लगाएंगे तो 30 ओम्स आ रहा है। तो चूंकि ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, टॉप लोड की जो मोटर होती है वो इस तरह से वॉश मोटर, आपकी वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक वॉश मोटर ले लो या टॉप लोडिंग की मेन मोटर ले लो, इन दोनों में जो रनिंग और स्टार्टिंग की वैल्यू जो है सेम आएगी, मतलब कॉमन के साथ में। तो इसके साथ में आपने नीला लगाया तो 30 ओम्स आया, पीला के साथ में लाल लगाया तो भी 30 ओम्स आया। तो इसकी रनिंग स्टार्टिंग आपस में चेंज होती रहती है, ठीक है। तो नियम यह कहता है कि पीले के साथ में भी 30 आना चाहिए और पीले के साथ में लाल में भी 30 ओम्स आना चाहिए। अगर इन दोनों की वैल्यू में कुछ वेरिएशन आ रहा है, 1-2% तो रिकमेंडेड है, 1-2 ओम्स कम ज्यादा चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अगर यहाँ 30 आ रहा है और अगर इसकी जगह 50 आ रहा है, 55 आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी मोटर की वाइंडिंग के अंदर कुछ गड़बड़ है। तो अभी हम चेक करेंगे इसको न्यूट्रल और फेज देकर। तो अभी मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि रनिंग और स्टार्टिंग आपका ये आपस में चेंज होते रहते हैं। तो हमने सबसे पहले पीला तार यानी कि कॉमन निकाल लिया। उसका तरीका ये है कि जिन दो तारों में सबसे ज्यादा वैल्यू है उसके बच्चा तार कॉमन कहलाएगा, उसके अलावा जो दो तार बचेंगे वो रनिंग और स्टार्टिंग कहलाएंगे, ठीक है। अभी हम न्यूट्रल और फेज देके इसकी लाइव टेस्टिंग करेंगे। कर दिया। अभी हम जो कॉमन तार है जो बीच का है इसके अंदर हम एल और एन कोई सा भी एक तार ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने ये पावर कार्ड है, इस पावर कार्ड का डायरेक्ट एक तार मैंने बीच में जोड़ दिया है, यानी कि कॉमन तार पे मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया है। अभी जो दोनों तार बच रहे हैं इन दोनों तारों को हम कैपेसिटर में जोड़ देंगे। ये रनिंग और स्टार्टिंग तार होते हैं, जैसे फेस टर्न होता जाएगा आपस में चेंज होते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये पावर सप्लाई ऑन कर रहा हूँ, मैंने ऑन किया है और थोड़ा सा
सावधानी रखें क्योंकि इसमें करंट लगने का खतरा होता है, तो सावधानी के साथ ऐसे काम को किया जाना चाहिए। तो अभी मैं इसके अंदर टच करूंगा तो ये क्लॉक की एंटी क्लॉक वाइज टर्न होगी, और अगर फिर मैं इधर टच करूंगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में टर्न होगी। पकड़ यश, यश इसको पकड़, इसको नहीं मोटर को पकड़। अभी देखिए हम इसको रेड वायर पे टच कर रहे हैं तो ये एंटी क्लॉक वाइज घूम रही है, और अभी इसको टच करेंगे तो क्लॉक वाइज घूमना चाहिए। ठीक है, मैं आपको इसके एम्पियर भी चेक करवा देता हूँ, कितने एम्पियर लेगी मोटर। एम्पियर के साथ में मोटर चल रही है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।